रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंधेरा और कीचड़ होने के कारण काफी दिक्कत है, लेकिन अपनी जान पर खेलकर जवान लोगों को बाहर निकालने में लगातार लगे हैं। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए। एसओडी साहब रिपोर्ट। शाबाश, निकलते रहिए आराम से। खींचो खींचो, ऊपर खींचो। इनका जींस निकाल दीजिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। आ रहे हैं आ रहे हैं। ये लोग कौन सा? सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? तो किस तरीके की देखिए तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर तपोवन सुरंग के अंदर जवान कितनी विषम परिस्थितियों में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। यहां पर सांस लेने में भी दिक्कत, अंधेरा काफी ज्यादा है, कीचड़ काफी ज्यादा है, मलबा काफी यहां पर है। इसके वजह से लोग किस तरीके से धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे का हौसला अफजाई भी करते जा रहे हैं। तो ये हमारे वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और विषम परिस्थिति में वहां पर मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही। इन जवानों की तरफ से सुरंग में रेस्क्यू में किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं उसी की तस्वीर आप ही देखिए। हर तरफ चारों तरफ यह अंधेरा ही अंधेरा और इस अंधेरे में इस सुरंग के अंदर जाना, वहां से लोगों को बचाना बेहद मुश्किल काम होता है, जिसमें हमारे जवान ये अंदर अभी भी लगे हैं और डटे हैं। हालांकि स्पेशल इनको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उसके बावजूद इस स्थिति में किस तरीके से काम किया जाए वो इन्हें पता होता है। उसके बावजूद जो दिक्कतें आती हैं उन्हें इन्हें फेस करना बखूबी आता है, लेकिन दिक्कत और समस्या के बीच से निकल कर जो रास्ता निकालते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर जो फंसे तकरीबन 37 के आसपास इस तपोवन सुरंग में, उन्हीं को निकालने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा हमारे जवानों की तरफ से। लोगों के पास यहाँ पर साधन जरूर होते हैं, किस तरीके से उन्हें यहाँ पर काम करना है इसके बारे में पहले से ही ट्रेनिंग में बताया जाता है और उसी का फायदा ये उठाते हैं और उसके बाद इस सुरंग में जाकर वो वही काम करते हैं जो उन्हें करने के लिए हायर किया जाता है। हालांकि यहाँ पर स्पेशल टीम लगी है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो लगातार यहाँ पर अंदर जा रही है और यहाँ पर मशीनों की सहायता भी ली जा रही है। मैनुअल जो यहाँ पर काम हो रहा है वो भी यहाँ पर जारी है, लेकिन इसी के साथ मशीनों की माध्यम से भी यहाँ पर इस मलबे को बाहर निकाला जा रहा। क्या स्थिति है वहां पर सुरंग के अंदर की वो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है, कुछ देखने में भी खासा दिक्कत हो रही है। टॉर्च जो स्पेशल रोशनी उनके पास होती है उसकी सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ सामने है उसको वहां पर हटाने की कोशिश इन जवानों की तरफ से की जा रही है। खींचो खींचो, ऊपर खींचो। इनका जींस निकाल दीजिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। आ रहे हैं आ रहे हैं। ये लोग कौन सा? सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए। एसओडी साहब रिपोर्ट। शाबाश, निकलते रहिए आराम से। खींचो खींचो, ऊपर खींचो। इनका जींस निकाल दीजिए। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे जवान किस तरीके से वहां पर कड़ाके की ठंड भी और इसके बाद वहां पर डटे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ खड़े और यहां पर उन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है जो लापता बताए जा रहे हैं, इस टनल में फंसे हुए हैं।
मशीनों की सहायता से, जेसीबी की सहायता से यहाँ पर मलबे को बाहर निकाला जा रहा है।